हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में रिव्यू करने जा रहे हैं नार्जो 50 है, जिसका 6000 mAh का बैटरी दिया गया है। साथ साथ रैम का बात करें तो 4GB रैम एंड 64GB स्टोरेज दिया गया है दोस्तों। एंड डिस्प्ले की बात करें 6.5 HD LCD सेल डिस्प्ले दिया गया है दोस्तों। एंड इसका प्रोसेसर की बात करें तो हेलियन G85 गेमिंग प्रोसेसर है दोस्तों। एंड दोस्तों इसमें 18W का क्विक चार्जर दिया गया है। साथ साथ कैमरा की बात करें तो 50MP कैमरा दिया गया है। एंड फ्रंट का बात करें तो 8MP दिया गया है दोस्तों। तो इसको अनबॉक्सिंग करेंगे एंड रिव्यू करेंगे कि ये कैसा फ़ोन है, ठीक है दोस्तों। चले दोस्तों करते वीडियो को स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरे बारे में जान लें। मेरा नाम हुआ प्रद्युमन कुमार गोसाई और आप देख रहे अपना भाई के चैनल प्रद्युमन टेक YT चैनल। तो दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दे। साथ साथ इस चैनल में आप न्यू आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। इससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। एंड दोस्तों किसी तरह का कुछ बात करना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है तो वहाँ पे भी आके फॉलो कर लीजिएगा एंड जो बात करना चाहते हैं वहाँ पे बता सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों इसको रिव्यू करते हैं कि ये फ़ोन कैसा है। तो इसको अभी अनबॉक्स करते हैं, ठीक है। तो इसको अनबॉक्स करते हैं, ठीक है। सो दोस्तों देख सकते हैं इसको जब ओपन किया तो कुछ इस तरह से है। साथ ही साथ इसको अभी ओपन करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका पिन सिम इंजेक्टर यहाँ पे रहता है एंड उसके बाद ये फ़ोन रहता है दोस्तों। एंड उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 18 वाट का चार्जर है एंड केबल है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो अभी इसको फ़ोन को यहाँ पे ऑन करते हैं एंड देखते हैं इसका कैमरा क्वालिटी वगैरह, ठीक है। तो सिंपली इसको अभी देख सकते हैं इस तरह से ओपन कर रहे हैं एंड ये फ़ोन को आप देख लीजिए तो देख सकते हैं नार्जो 50 है, कुछ इस तरह का लुक रहता है, ठीक है। फिंगरप्रिंट की बात करें तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा फिंगरप्रिंट एंड यहाँ पे देख सकते हैं वॉल्यूम बटन दिया गया है। साथ साथ पावर बटन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एंड सिम की बात करें तो यहाँ पे आपको सिम इंजेक्टर मिल जाएगा, यहाँ से सिम निकाल के आप सिम लगा सकते हैं, दो सिम लगा सकते हैं दोस्तों एंड एक चिप भी लगा सकते हैं। तो इसको ओपन करते हैं एंड इसके बाद आपको इसका कैमरा भी दिखाते हैं एंड ये फ़ोन ओपन होने के बाद कैसा दिखता है वो भी मैं आप सभी को दिखाता हूँ दोस्तों। तो कुछ सेकंड आप वेट कर लीजिए। सो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है इसका 50MP है। साथ साथ यहाँ पे देख सकते हैं 2 MP एंड 2MP एंड यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों फ्लैश दिया गया है, ठीक है। साथ साथ इसका बात करें यहाँ पे फ्रंट कैमरा का तो यहाँ पे 8MP दिया गया है दोस्तों। तो इसको अभी ओपन करते हैं एंड देखते हैं इसका कैमरा, ठीक है। तो ये रहा बैक का, मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। सो दोस्तों देख सकते हैं ये बैक का है, ठीक है। देखिए ये बैक का है दोस्तों, ठीक है। एंड इसका फ्रंट का बात करें तो देख सकते हैं फ्रंट का ये रहा, ठीक है। एंड कैमरा क्वालिटी की बात करें तो बहुत ही अच्छा इसका कैमरा भी दिया गया है दोस्तों कम बजट में, ठीक है। साथ साथ अगर आप गेम खेलते हैं जैसे पबजी हो गया या फ्री फायर खेलते हैं तो उसके लिए ये गेम बहुत ही ये मोबाइल बहुत ही अच्छा है दोस्तों, क्योंकि इसका गेमिंग प्रोसेसर दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं क्लियर लिख दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं G85 हेलियन गेमिंग प्रोसेसर यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। तो ये कम बजट में 11,500 रुपये लगेगा आपको ये आ जाएगा दोस्तों। ये ऑनलाइन रेट बता रहा है, बट अगर हमारे दुकान में आइएगा तो ऑनलाइन रेट से भी कम में आपको ये मिल जाएगा दोस्तों। ये मेरा दुकान हुआ गोला डिवीजी चौक और दुकान का नाम हुआ सेल फोन द मोबाइल स्टोर दोस्तों। तो अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो वहाँ पर आके परचेस कर सकते हैं दोस्तों। तो कैसा लगा इसका रिव्यू वीडियो दोस्तों कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। एंड दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नहीं होंगे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, इसी तरह से वीडियो देखते रहने के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कोई दूसरी इंटरेस्टिंग वीडियो में कोई नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।